खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो ब्रेक के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के मऊ में, तो मऊ वालों एक बार जोर से कह दो भारत माता की, भारत माता की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मऊ में इसी ऊर्जा के साथ और देशभक्तों की इस टोली के साथ कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मेरे साथ मंच पर जो मेहमान मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से दुर्ग विजय राय हैं, बहुत बहुत स्वागत कीजिए तालियों से। हमारे साथ कांग्रेस से राष्ट्र कुंवर सिंह मौजूद हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। समाजवादी पार्टी से साधु यादव जी हमारे बीच हैं, जोरदार स्वागत। और बहुजन समाज पार्टी से वीरेंद्र बहादुर पाल हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियां चारों ही मेहमानों के लिए और अपने लिए बजा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं क्योंकि आज सवाल बहुत है बीजेपी से पूछे जाने के लिए। दूध वूध पी के आए ना सर, हॉर्लिक्स वाला है? अच्छा, अब ये जनता जो है मऊ की लगातार पूछ रही है, देश की जनता लगातार पूछ रही है, राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार पूछ रहे हैं कि जब चौकीदार चौकन्ना था तो फाइल चोरी कैसे हो गई रफेल की? कोई फाइल चोरी नहीं हुई है। अरे तो सरकार ने कहा है भाई, आप ही लोग कह रहे हैं कोई फाइल चोरी नहीं हुई है। आपके पास है? 5 साल में केवल कुछ परिवारों की ताकत बढ़ाया है इस देश की विपक्षी पार्टियों में, और 5 साल में सेना की ताकत, देश की जनता की ताकत, गरीब की ताकत ठीक से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। फाइल कहाँ है ये तो बता दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फाइल चोरी होने का मतलब ये है सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। कोई फाइल चोरी नहीं हुई है राहुल गांधी के जमाने में और सोनिया गांधी के जमाने में। मतलब सरकार में जो लोग कह रहे हैं फाइल चोरी हो गई इसलिए कोर्ट में दस्तावेज हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते और जो फाइल चोरी हुई वो अखबार में छप गई तो वो झूठ बोल रहे हैं? रक्षा सौदे का मामला है, सब चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक करेंगे। चलिए कांग्रेस से पूछ लेते हैं इसका जवाब क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि फाइल चोरी हो गई मतलब सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वो तो कह रहे हैं कोई फाइल चोरी नहीं हुई, रक्षा सौदे से जुड़ा मामला है। लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। कोर्ट से पेपर चोरी हुआ है और राफेल पे घोटाला हुआ है, 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी को कर्ज दिया है। अरे लेकिन अपनी गर्दन फंसाने के लिए खुद चोरी क्यों करेंगे? ये अपनी गर्दन नहीं, देश की गर्दन फंसा रहे हैं। राफेल पर दलाली हुई है और दलाली डायरेक्ट अनिल अंबानी के माध्यम से मोदी ने दलाली लिया है। चलिए खैर, ये तो राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि अनिल अंबानी को दलाली दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है राफेल पर जो अब नया अपडेट आया है? समाजवादी पार्टी पहले से कहती आई है कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जितना झूठ बोलेगी इतना झूठ बोलेगी, देश की जनता को गुमराह करेगी। आज आप देख रहे हैं कि बादशाह को झूठा नहीं होना चाहिए, अगर बादशाह झूठा है तो बादशाह नहीं है। इन्हीं के कार्यकाल में राफेल घोटाला होता है और यही कह रहे हैं कि फाइल चोरी हो गई, तो सरकार ये बतावे कि उन्हीं की सरकार में चोरी कैसे हुई, सरकार में चोरी कैसे हुई। सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर जो मेहमान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं बीजेपी के गेस्ट के चोरी नहीं हुई। देश को क्या गुमराह किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को प्राथमिकता के साथ कहा है कि हमारी फाइल गुम हो चुकी है। इस तरीके से कैसे इग्नोर किया जा सकता है? एक निश्चित तौर पर एक व्यवस्था सबूत के साथ इस तरीके से बात की गई कि फाइल गायब की गई है, निश्चित तौर पर भारत जनता को गुमराह करने की का प्रयास है, भाजपा गुमराह कर रही है। अच्छा चलिए इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा है। आपसे मैं एक और दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। कल तक केशव प्रसाद मौर्य मिलकर के और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मिलकर के दिग्विजय सिंह को देशद्रोही बता रहे थे, उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे रहे थे। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बारामूला को हमले को दुर्घटना बता दिया था। आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कर दी। मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य जी ऐसी बात कह सकते हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है भाई, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, कहीं अर्थ का अनर्थ मीडिया के द्वारा बनाया। अच्छा वो बोले तो अर्थ, आप बोले तो अनर्थ, और ये कहीं दुर्घटना नहीं है, सेना के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। सेना ने चढ़ करके पाकिस्तान में अटैक किया है और उनको ठीक करने का काम किया है, और अब तक तो भारत की सरकारें केवल देश की जनता की लाशें गिनती थी। कितने भारतीय आतंकी विस्फोटों में मारे गए, कितने सेना के जवान पाकिस्तान की सेना द्वारा मारे गए। अरे लेकिन संख्या तो बीजेपी वाले भी गिन रहे हैं भाई। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह साहब ने 250 का आंकड़ा बताया,
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज 400 का आंकड़ा बता रहे हैं, वीके सिंह भी 250 का आंकड़ा बता रहे हैं, जबकि राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि कोई संख्या उनके पास नहीं है, विदेश सचिव भी ने भी संख्या नहीं बताई। तो ये आप लोगों के बाकी नेताओं के पास संख्या आ कहां से रही है? मान्यवर, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो हमारे लिए ये है, पहली बार हम पाकिस्तानी सेना का देश की आजादी के बाद उनको मारने की संख्या इस देश में गिनी जा रही है। आज तक तो केवल भारतीय सेना सैनिक, अर्धसैनिक बल और भारत की जनता के मरने की संख्या हम गिनते रहे हैं। पहली बार इस दुनिया में परिस्थिति निर्माण हुई है कि हम भारत के सैनिकों के मरने की संख्या गिनना शुरू किए हैं। चलिए चलिए, उल्टा बोल गए आप, उल्टा बोल गए, आतंकवादियों की संख्या गिनना शुरू किए। चलिए सवाल लेते हैं। मैं इन महामिलावट के लोगों से पूछना चाहूंगा कि केवल मोदी को हटाने की बात करते हैं, ये कभी सीमाओं की रक्षा की बात नहीं करते हैं, ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके पाकिस्तान की मदद करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इनसे पूछा जाना चाहिए, तीनों महामिलावट के नेताओं से। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि आप बताएं कि हायर एजुकेशन महंगी होती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये सुने भाई साहब, एक युवा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है या जानकारी के अभाव में झूठ बोलते हैं? और तीसरा सवाल ये है कि आपके यहाँ के घोसी के सांसद महोदय अभी तक यहाँ पे नहीं आए, यानी ये विकास नहीं करते हैं, वो हमेशा सरकारी दारू और शराब में रहते हैं, क्यों? आखिर विकास उनका कहाँ पे है, दिखता नहीं है? हम कांग्रेस के लीडर्स पूछना था, नहीं बताए, अगर अदर पार्टी में रहते हैं, भाजपा में रहते हैं तो देशभक्ति की बात करते हैं, और कांग्रेस में जाने के बाद इनके पास कौन सा खून, कौन सा इंजेक्शन कांग्रेस दे देती है कि राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर काम करते हैं? जब इनसे पूछिए कि भाजपा में रहने के बाद भाई कांग्रेस का कोई भी ऐसा लीडर है जो देशभक्ति का बात करता हो। इधर मैं आऊंगा, इधर भी चलते। मैं महागठबंधन से पूछना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, महागठबंधन के यहां लोग बाकी बैठे हुए हैं, ये बताएं कि आपका चेहरा कौन होगा, क्योंकि इन लोग जैसे तीन लोग बटे हुए हैं, सीट बंटवारा, और ये आपस में मिल बांट के जो है देश, कई बार पूछा गया है, बताते नहीं है। पूछिए। मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष जी और जो देश के हमारे जो है प्रधानमंत्री महोदय और पूरी भाजपा से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब कोई मुद्दा आता है तो ये या तो वंदे मातरम बोलते हैं, या भारत माता की जय बोलते हैं, या फिर जय श्री राम बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल लेके तुरंत जाऊंगा मैं। आप पब्लिक सेंटिमेंट्स का फायदा उठाते हैं, आप ही के मऊ की जनता कह रही है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल देते हैं, पब्लिक आपके सुर में सुर मिलाने लगती है। भारत माता की जय और वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी की खोज नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि पूरी आजादी की लड़ाई हमारे वीर जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम हाथ को का नारा बुलंद करके लिया था, और उनको उसको हम जीता जी नहीं छोड़ने वाले हैं। आप उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा के छोड़ दीजिए, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे राजनीति रहे न रहे, हम सरकार में रहे न रहे, हम भाजपा वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब आपको डर है कि सरकार में नहीं भी रह सकते हैं? जो भी है सरकार में तो हम रहने वाले हैं। या तो मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये तो मुलायम सिंह जी ने कह दिया है, हमको कहना है नहीं, देश ने तय कर दिया है। विपक्ष पूरे देश में घूम घूम के कह रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। विपक्ष तो पूरे देश में घूम घूम के ये भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है। मैं आपके पास आऊंगा, कांग्रेस के लिए भी सवाल था कि कांग्रेसी क्या देशभक्त नहीं है? पाकिस्तान के हित की बात क्यों करते हैं? आज पाकिस्तान के मीडिया में जितने भी बयान चल रहे हैं सबसे ज्यादा कांग्रेसी नेताओं के चल रहे हैं। सिद्धू पूछ रहे हैं सेना पर सवाल उठाते हुए कि क्या 300 पेड़ गिरा कर आए सेना वहां पर? देखिए, 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्या कांग्रेसी उस समय अटल जी ने क्या कहा था इंदिरा गांधी को? अटल जी ने संसद में कहा था। मेरा सवाल है, इतनी बार कांग्रेस के शासन में युद्ध हुआ क्यों? युद्ध जब जब पाकिस्तान हाथ दिखाएगा हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। लेकिन सुधार नहीं पाए ना, फिर पुलवामा कर दिया उसने। पुलवामा किया हमारे नेता और पूरा देश के साथ, सरकार के साथ और सारे सैनिकों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं दुर्घटना है। दिग्विजय सिंह चाहे देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश में सबसे पहले बयान दिया कि हम कांग्रेस के लोग
देश के साथ है, सरकार के साथ है और सेना के साथ। चलिए जनता के पास चलते हैं, जनता के सवाल, जनता के सवाल। महिलाएं भी, आप सवाल पूछना चाहेंगी? मैम हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा इनसे, क्या इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई है जो देश को इतना स्ट्रांग तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे संभाल सकता है और क्या इस राजनीति में जो है युवाओं के रोजगार से लेकर के नौकरी से लेकर के एक भी केवल राजनीति में आके सिमट गई है बात, रोजगार की बातें खत्म हो गई, युवाओं के भविष्य की चिंता देख नहीं रहे लोग। ठीक है, इधर से सवाल। हम सपा से पूछना चाहेंगे कि माननीय नेताजी और शिवपाल जी ने कहते हैं कि जब हमने बहन माना ही नहीं तो ये बुआ कहाँ से हो गई, ये माननीय सपा जी लादे जी से हम पूछना चाहेंगे। ये हमारे साथ हैं, आप सेवानिवृत्त फौजी हैं, बैठे रहिए, आप बैठकर भी पूछ सकते हैं। कहिए क्या कहना है, किससे पूछना है, बोलिए, आपकी आवाज जाएगी, पूरी दुनिया सुनेगी। आप लोग शांति से सुनिए, अगर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो देश हित में हुई है और हमारे देश के जवान उससे बहुत काफी खुश हैं। आप लोग गलत बातें मत करें, जो अभी बात हो रही थी उसके मैं एकदम खिलाफ हूँ। देश हित में जो है प्रधानमंत्री ने काम किया है, मैं एक मिनट। अच्छा वैसे एक बात है, वैसे एक बात चाचा बहुत ठीक बोल रहे हैं, फौजी भी रह चुके हैं और विंग कमांडर अभिनंदन के बाद मैंने इसी मूछे मऊ में आपकी ही देखी है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनकी मूछों के लिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से और इस मंच के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी से कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो जंग भारत की धरती पर लड़ी जाती है, कश्मीर हाथ से निकलने लगता है, कारगिल की पहाड़ी कब्जा हो जाती है, पुलवामा कब्जा हो जाता है। अरे लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। पांच सालों तक क्या कर रहे थे आतंकियों के साथ, आतंकियों के साथ क्या हो गया तीन साल में चार साल में कि भारत की, भारत में हर जगह त्राईमाम है, भ्रष्टाचार हो चाहे बलात्कार हो, हर जगह सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है? ये झूठा देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री चोर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सैनिकों का सौ आ रहा है और हमारा प्रधानमंत्री बेरोजगारों को पकौड़ा खाने की बात करता है। देश का वास्ता जब इस तरह का करेगा तो कैसे होगा? मोदी के बाद कोई विकल्प, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर। सर जब जब सरकार बीजेपी की आई है ये राम मंदिर और सांप्रदायिक दंडों को लेकर हमेशा इस देश को बर्बाद करने के और गंदे इरादे से इस देश को दूसरे। भैया आपके अखिलेश ने भी तो राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये पूरे परिवार को अपने नहीं चला पाए, ये देश चलाने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक कर दिया। नरेंद्र मोदी जो है वो 2019 में नहीं 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये युवाओं की सोच है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के जिला अध्यक्ष से कि क्या कब तक ये बताएं कि देश के आजादी में कितने लोग इनके परिवार के स्वतंत्रता सेनानी हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इनके परिवार के कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं? ये देश के आजादी में ये मुखबिरी किए थे, देश का जब आजादी हुआ था तो भाजपा के लोग मुखबिरी किए थे। मैं उस जमीन से आता हूँ जहाँ से उस्मान ब्रिगेडियर सबसे पहले आर्मी ऑफिसर शहीद होने वाला व्यक्ति है, मैं उस धरती से आता हूँ। एक देहात में कहावत है, जो शेर ने देखा हो बिलाई देख ले और जो झूठा ने देखा हो वो मोदी को देख ले। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मोदी जी आपके बगल में, ठीक है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लाश तो नहीं गिनी जा सकी और हमारे फौज के लोगों की लाश रोज गिनी जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई पाकिस्तान में जाके आतंकी मारे तो सही, ऐसा पहले कभी हुआ क्या? मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ क्या इन लोगों के पास घोसी का कोई प्रत्याशी नहीं जो बाहर से उठा करके लाते हैं, जनता उनको चुनती है फिर वो अपने अपने घर पे जाकर के बैठते हैं? सभी से नहीं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, गठबंधन से भी पूछना चाहता हूँ और ये बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, इनसे भी सवाल पूछा जाए। ठीक है 50 साल की उम्र हो गई हमारी, इतना बड़ा झूठा और बहुरूपिया प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा कभी। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि 65 साल उसने हमारे भारतवर्ष पर राज्य किया है, क्या कभी उसने आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है
के घर में घुस के मारा हो, मारा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने मारा है। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे पास यहाँ एक प्रखर जी भी हैं। प्रखर जी कुछ सुना दीजिए, आप बहुत प्रख्यात कवि हैं यहाँ के। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कि देश के सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा, हाथियों के झुंड से तो बैल ले रहा है मोल, पल में एक गन्ने जैसा तोड़ दिया जाएगा, फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे यूं ही टांगा जाएगा मरोड़ दिया जाएगा, और रोजी हरकतों से आवाज आ जाए ना पाक पाक वरना फिर हिंद में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा। बहुत खूबसूरत लाइनें थी। सवाल बहुत आए सर, आज ये आंकड़ा भी आया कि मोदी के ही राज में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। अब ये जनता को आप सीधे जवाब दीजिएगा, मेरा यहाँ का वक्त खत्म होता है आज, मऊ से इतना ही, लेकिन मऊ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतने धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। कल कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला होगा गोरखपुर में, बने रहिएगा हमारे साथ कल भी इसी तरीके से, कल मिलेंगे गोरखपुर में। आज मऊ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।